CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है भारत की नदियां श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम महानदी भाग एक। महानदी एक प्राचीन नदी है, गंगा यमुना से भी पुरानी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले की पहाड़ियों से हुआ है। ये लगभग 850 किलोमीटर लंबी है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दोनों राज्य के लोगों के लिए ये जीवनदायिनी का काम करती है। ये प्राचीन काल से लोगों की सांस्कृतिक पहचान बनाने में सहायक हुई। इसके द्वारा लोगों ने अपने सामाजिक व आर्थिक ताने बाने को संजोया व संवारा है। यहां के ऐतिहासिक उतार चढ़ाव को बहुत करीब से देखा है। महानदी यहां के लोगों के अस्तित्व को अमृत तुल्य जल प्रदान करती है। आज बात करते हैं महानदी से और जानते हैं उसकी कहानी। मैं महानदी भारत की प्राचीन नदियों में से एक हूं। मैंने हिमालय पर्वत को बनते देखा है, इससे तुम मेरी उम्र का अंदाजा लगा सकते हो। इस अंतराल में अनेक घटनाएं घटी। मैंने लोगों को शिकार करते, झुंड में रहते, खाना इकट्ठा करते, घर बनाते, एक दूसरे के साधनों पर कब्जा करते देखा है। गांव को नगर में बदलते देखा है। कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण मेरे ही सामने हुआ। महान नरेश सम्राट अशोक को भी देखा। कलिंग का युद्ध मेरे पाटों पर हुआ था। जानते हो, इतना बड़ा नरसंहार पहले कभी नहीं हुआ। मेरा पानी भी खून से लाल हो गया था। कलिंग पराधीन हुआ। सातवीं शताब्दी में फिर एक नया सितारा गंग वंश से चमका। वो थे महाशिव गुप्त, एक अच्छे शासक के रूप में। उड़ीसा के इतिहास में एक शानदार युग का आरंभ हुआ। उन्होंने कलिंग, केनगोड़ा, उत्कल और कौशल राज्यों को मिलाया। फिर से कलिंग समृद्ध हुआ। कहा जाता है कि पुरी का विख्यात जगन्नाथ मंदिर उसी ने बनवाया था। बाद में मुगल, मराठे
और अंग्रेजों की सल्तनतें आईं और चली गईं, लेकिन महानदी की धारा अनवरत बहती रही। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा की पहाड़ियों से हुआ है। ये पहाड़ियां कांकेर और धमतरी जिले में पड़ती हैं। इन्हीं पहाड़ियों के बीच एक महामाई नाम का पोखर इसके जीवन को गति प्रदान करता है, एक पतली सी धारा के रूप में। लेकिन गर्मियों में ये सूख जाती है। पहले ऐसा नहीं था। लगता है महानदी कुछ कह रही है। ये मेरा वतन है, मुझे इससे प्यार है। यहाँ की बदलती फिजाएं, रंग रूप मुझे अच्छा लगता है। मेरे आसपास पहाड़ियां, चहचहाते पक्षियों के झुंड, कोयल की मधुर वाणी, जंगलों में पेड़ पौधे, चट्टानों की बनावट मुझे बार बार प्रोत्साहित करती है कि तुम बाहर आओ, तुम बाहर आओ, संसार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो मैं आती हूँ। मेरे पहले साथी हैं पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, चट्टाने और पशु पक्षी। हम में कोई ना छोटा है ना बड़ा, सभी सद्भाव से रहते हैं। बरसात में ये संबंध और निखर जाते हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जंगलों से ढक जाती हूँ। मुझे देख पाना कठिन होता है, लेकिन पतझड़ में स्थिति बिल्कुल उलट जाती है। पत्ते पीले पड़ जाते हैं। मेरे रास्ते में पतझड़ वनों की बहुतायत है। पतझड़ के वन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि में पाए जाते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे साल में एक बार अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, इसीलिए इन्हें पतझड़ वन कहते हैं। ये पेड़ पौधे सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, बल्कि बड़े उपयोगी हैं। ये पानी को सोखकर भंडारण करते हैं। ऐसे स्थानों से झरने निकलते हैं। महानदी के प्रवाह में कई झरने हैं, बड़ी मधुर ध्वनि देते हैं। वास्तव में ये एक दूसरे के साथी हैं। महानदी के दूसरे सहयोगी हैं चट्टानें, पहाड़, जंगल, जो इसके निरंतर बहाव में सहायक होते हैं। इन जंगलों के बीच बैगा और गोंड आदिवासी भाइयों की बस्तियां हैं, लेकिन छोटी छोटी, जिनमें लोग चार पांच घरों के समूह में रहते हैं। वे जरूरत के अनुसार ही पेड़ काटते हैं, अंधाधुंध नहीं। यहां की चट्टानें, पहाड़ बड़े टिकाऊ और मजबूत हैं। धरती, पेड़, पत्थर और पानी एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन क्या आज जैसा है वैसा पहले भी था? नहीं, मैंने कुछ देर के लिए अपने अतीत में झांक कर देखा। पता चला कि आज के पहाड़ प्राचीन समय में बहुत बड़े हुआ करते थे। अब
घिस पिट कर छोटे हो गए हैं। श्रृंखलाएं छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। छोटा नागपुर की पहाड़ियों की उम्र ज्यादा है। पहाड़ों के बनने के बाद मैं वजूद में आई। छोटा नागपुर का पठार दक्षिण पठार का हिस्सा है। ये संसार के प्राचीन पठारों में से एक है। ये पठार आखिर बना कैसे होगा, जरा सोचो। जांच पड़ताल से पता चला कि आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी के गर्भ से ज्वालामुखी के द्वारा पिघला हुआ लावा बाहर आया। और वो चारों ओर जमा हो गया और धीरे धीरे ठंडा होता गया। ठंडा होने के बाद बहुत कठोर बन गया। इनकी खड़ी ढालें और ऊपरी भाग सपाट है। ऐसे भाग पठारी कहलाते हैं। पठारी भागों में कई प्रकार के खनिज मिलते हैं, लेकिन ये खनिज आए कहां से? दरअसल पृथ्वी के गर्भ में अनेक खनिज हैं। लाखों साल पहले ज्वालामुखी के उद्गार के समय लावा के साथ ये खनिज बाहर आए। छोटा नागपुर के पठार में ऐसे खनिजों के बड़े भंडार हैं। यहां का उद्योग जगत इन खनिजों पर निर्भर करता है। मेरे बहाव के दोनों ओर ऐसी पहाड़ियों का सिलसिला आगे भी देखा जा सकता है। इनकी ऊंची ऊंची चोटियां बहुत सुंदर लगती हैं। इन्हीं गहरी वादियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। ये घाटियां पेड़ पौधों से ढकी रहती हैं। कहा जाता है पहाड़ियों की चोटियों पर पहले ऋषि मुनि निवास करते थे। आज भी आश्रमों के खंडहर देखे जा सकते हैं। सिहावा की पहाड़ी पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। बरसात में पहाड़ियों से पानी बहकर महाभाई की पोखर में जमा होता है। पोखर से मैं धारा के रूप में उत्तर दिशा की ओर बहती हूँ। लेकिन महानदी उत्तर की ओर ही क्यों? मेरे जल प्रवाह की दिशा पहाड़ियों की ढालों को निर्धारित करती है। दक्षिण से उत्तर की ओर पहाड़ों की ऊंचाई कम होती जाती है। ढाल ही मेरे बहाव का वेग तय करते हैं। आसपास की पहाड़ियों से कई धाराएं आकर मिलती हैं, मुझे और समृद्ध बनाती हैं। मेरा प्रवाह पहले से अधिक तेज हो जाता है। अच्छा। धाराओं के मिलने से मुझे बहुत खुशी होती है। अब मैं पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की और सेवा कर सकती हूँ। अच्छा ये बताओ महानदी, उत्तर दिशा में तुम कितनी दूर तक बहती हो? मैं उत्तर दिशा में लगभग 50 किलोमीटर तक सकरी घाटी से बहती हूँ। अच्छा। इस बीच कई धाराएं मुझसे मिलती हैं, मेरे आकार को और बड़ा करती हैं।
उनके नाम हैं वाल्का, सीता, टूरी, दूध और नंदनमारा। ये धाराएं सीढ़ीनुमा पहाड़ियों से नाचती कूदती कल कल करती नीचे उतरते हुए जल प्रपात बनाती हैं। ये प्रपात मेरी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। इन प्रपातों को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। धमतरी के पास पहुंचते ही मैं एक नदी का रूप धारण कर लेती हूँ। महानदी भाग एक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख, शोध एवं विषय संयोजन अख्तर हुसैन, कलाकार नीरज शर्मा और राजश्री त्रिवेदी, ध्वन्यांकन अमिता भट्टी, तकनीकी समन्वय सतीश लाडे, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।